और ये गवर्नमेंट की हॉस्पिटलों के ताल्लुक से कि झूठा प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ये यानी अरे भाई अगर आपको सियासी मुखालिफत करना है तो करिए जरूर आप, मगर एक गरीब कहां जाएगा बताइए, आप करेंगे क्या इलाज? गांधी हॉस्पिटल में एक वीडियो निकला आज से थोड़े दिन पहले, क्या बताएगा कि लिफ्ट के सामने पूरा पीपीई किट पहनकर दो लोग बैठे हुए हैं और हमारे जो जो मौसूफ थे ये साहब जो ले रहे हैं, आप पेशेंट हैं क्या, आपका इलाज नहीं हो रहा क्या? बाद में मालूम हुआ कि पेशेंट नहीं थे बल्कि वो साफ सफाई करने वाले थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैं मान रहा हूं कमजोरियां दूर करना है, मगर आपको मालूम कि पिछले दो ढाई महीनों में कितने कोविड के पेशेंट्स का डायलिसिस हुआ वहां पर? पूछिए आप, हमारे कई मजलिस के अराकीन ने बल्दिया जिम्मेदारान मुझसे बात किए, चेस्ट हॉस्पिटल में चेस्ट हॉस्पिटल का सुप्रिटेंडेंट कोविड पेशेंट्स को देखता है, उनकी बेगम साहिबा बीवी उनकी गांधी में कोविड पेशेंट्स का इलाज करती है, उनकी बेटी गांधी में हाउस सर्जन है, उस्मानिया के सुप्रिटेंडेंट को बेचारे कोविड हो गया। तो ये सब लोग कर रहे हैं, हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। यकीनन मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ और पूरे इत्मीनान और बड़े फख्र के साथ भी कह सकता हूं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था पूरे शहर हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किसी भी सियासी पार्टी ने जिस तरीके से काम करना था वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। यकीनन मैं इस बात का इकरार भी करता हूं कि हमने तमाम को फूड किट नहीं पहुंचाए, मगर मजलिस के अराकीन असेंबली, अराकीन बल्दिया, सुदूर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पर थे, अवाम के दरमियान में थे और आज भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, काम कर रहे थे। ऐसा नहीं थे मजलिस के एमएलए अराकीन असेंबली अराकीन बल्दिया जो मुखालिफिन जो आजकल सिर्फ फेसबुक पर एक वीडियो डालते, इनका काम सिर्फ फेसबुक पर है, ये फेसबुक पर शोबदेबाजी से काम नहीं होता, जमीन पर भी काम करना पड़ता और काम करके फेसबुक पे हम डालते। ये फर्क है मजलिस में और दूसरों में कि हम जमीन पर काम करके ये बताते अवाम को देखो हमने ये काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से कह रहा हूं कि शहर हैदराबाद के उन तमाम दीगर तंजीम के जिम्मेदारों को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम ने हमने सबने पूरों ने कोशिश की उस लॉकडाउन में जो लोग पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ चुका था, भूख और प्यास के लोग शिकार थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। तो ये चीज़ें हैं जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ।